फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे टूल के डाई के बारे में, जो कि मेन पार्ट्स होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि टूल के मेन पार्ट जो कि टूल में होते ही होते हैं, उसके बगैर टूल हमारा नहीं चलेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि डाई का जो अपर का होता है और लोअर का डाई जो होता है, जिसके बगैर हम टूल डाई को नहीं चला सकते, वो तो कंपलसरी है, और उसका यूज़ कैसे होता है वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, डेली की तरह हम आपके पास ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा ना लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, हम आपको आज बताने वाले हैं टूल के मेन पार्ट्स जो कि हम यूज़ करते ही करते हैं टूल में, वो आज हम आपको बताएंगे कि एक डाई में मेन पार्ट क्या है। हम आपको डेली की तरह फ्रेंड्स एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टूल में कौन से मेन मुख्य पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता ही होगा कि इस चैनल पे टूल एंड डाई से रिलेटेड अच्छे वीडियो आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ना अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छा लगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना ही चाहते थे कि टूल में मेन पार्ट्स क्या होते हैं, मेन क्या होता है, क्यों टूल उसके बगैर नहीं चल पाता है, सारे क्वेश्चन का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि मतलब कि जो मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा उसके माध्यम से आपको बता दूंगा क्लिप के माध्यम से, उसके बाद मेरे पास ये जो डिजिटल बोर्ड है उस बोर्ड से भी आपको समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताते हैं कि टूल के कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो वीडियो देखते रहिए पूरा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक डाई दिखाते हैं जो लोअर डाई है, इसके बारे में दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, नीचे नंबरिंग करके रखा है। तो दोस्तों, जो पहला है वो देखिए पिलर सेट है, जो दूसरा है वो हुक है जिसमें हम डाई को उठा सकते हैं, और दोस्तों जो तीसरा है मैंने शो किया है वो डेड ब्लॉक है, और जो चौथा है दोस्तों वो स्ट्रीपर है, और जो पांचवा दोस्तों वो डाई है नीचे की प्लेट है, और जो सातवां दोस्तों वो गाइड पिन है, और जो सातवां है दोस्तों सॉरी जो छठवां है दोस्तों वो पंच है लोअर पंच, और जो सातवां है दोस्तों वो गाइड पिन है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया नीचे का बता दिया, जिसमें सात पॉइंट है दोस्तों, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पिलर है, इसमें दोस्तों एक नया चीज इंक्लूड हुआ है जो कि कैम है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कैम को भी बता देते हैं दोस्तों, ये देखिए कैम है जो कि पियर्सिंग करता है, आप कैम भी देख लीजिए। आपको मैं 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और दोस्तों देखिए ऊपर की डाई है जिसमें ऊपर का स्टीपर पंच मतलब कि पंच का सब कुछ इसमें डेड ब्लॉक वगैरह सब कुछ ऐड है। सो फ्रेंड्स, ये ऊपर का देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको अभी बोर्ड में दिखाने की कोशिश करूँगा, और दोस्तों इसमें जो है वो पूरा मेंशन। फ्रेंड्स, आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि टूल के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको न समझ में आया होगा तो हम इस बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। मैंने यहाँ पे एक डाई बना दिया है, तो उससे हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि टूल में क्या क्या यूजेबल चीज़ है जो कि फिक्स रहता है, वो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो दूसरे शेप में रहे चाहे वही रहे, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको ये फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन इसका दूसरा भाई रहेगा ही रहेगा, बगैर उसके आपका टूल नहीं चलेगा, डाई नहीं रहेगी दोस्तों। तो इस वीडियो को हम पूरा करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है क्लिप दिखाया है उससे तो आपको समझ में आ गया होगा, और आपने देख भी लिया होगा कि डाई कैसी होती है, कैसे टूल होता है, कैसे अलाइनमेंट किया जाता है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं डाई के मेन पार्ट्स, उसके यूजेस जो कि हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा, और बिल्कुल समझ में आएगा। जो आपको नहीं समझ में आएगा वो आप हमसे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो वीडियो दिखाया वो टूल जो है वो कैम पियर्सिंग का है दोस्तों, मैं आपको बता देता
करता हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा फिर से, क्योंकि क्योंकि दोस्तों इसलिए मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में जो क्लिप दिखाया उसमें तो मैंने पूरा बताया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कैम्पियर सिंह का टूल है दोस्तों, ये मत सोचिएगा इसमें कैम कहाँ गया। तो मैं आपको जो वीडियो दिखाया ये टूल मतलब मेरे बताने का एक ही है, ये मत सोचिएगा इसमें कैम है, ये क्या है वो क्या है। तो दोस्तों मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि ये सिंपल टूल है, वो कैम वाला टूल था, बस यही अंतर है। उसमें मैं आपको कैम भी बता दिया हूँ ऐड करके, और इसमें मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि क्या क्या है और कैसे यूजेस है। सो फ्रेंड्स चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए डाई सेट लिख दिया है, और दोस्तों ये जो पूरा है इसको हम डाई बोलते हैं, पूरे को हम डाई सेट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स ये पूरे को हम डाई सेट बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारी प्लेट है जिसमें मतलब कि ऊपर का जो है ये जैसे पिलर हो गया, ये पिलर हो गया, ये पंच हो गया, ये स्टीपर हो गया, गाइड पिन हो गया, इसमें सब कुछ हम फिक्स करते हैं अपर वाले प्लेट में, और उसी के अपोजिट होता है नीचे वाले प्लेट में। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें एक मेन चीज़ आपको बता दें, डाई का जो ऊपर रहेगा वो उसी से रिलेटेड नीचे भी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो ऊपर रहेगा उससे रिलेटेड नीचे नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स हम आपको एक क्लियर कर दें, जो ऊपर रहेगा या जो नीचे रहेगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, वो कैसा भी टूल हो। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें इसका मेन पार्ट, जैसे मैं दोस्तों आपको बता दें अपर वाली प्लेट, ये लोअर वाली प्लेट, ये अपर का बूस, ये लोअर का पिलर। दोस्तों कुछ ना कुछ तो अपर और लोअर में रहेगा ही रहेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा, ये हेल्प होगा कि ये टूल में क्या क्या यूज़ होता है और उसका क्या क्या मतलब कि दोस्तों इसमें जो जो लगा है मैंने सबका वीडियो बना दिया है। अगर आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब कुछ देख सकते हो, जैसे पिलर बूस का बना दिया है, ये स्टीपर का बना दिया है, पंच क्या होता है बना दिया, डाई बटन क्या होता है सब कुछ बना दिया है। तो दोस्तों अगर आपको जो चाहिए तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बताते हैं ये पिलर है ये बुश है। दोस्तों पिलर बुश क्या करता है दोस्तों आपको जल्दी से बताते थे, क्योंकि अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो मेरा एक वीडियो उसमें देख सकते हो। दोस्तों पिलर और बुश क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि डाई को बंद करने में, खोलने में, और जो प्रोडक्शन हमारा होता है उसमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है कि हमारी डाई दूसरी जगह नहीं जाएगी, अलाइनमेंट प्रॉपर होगा। दोस्तों अभी एक यहाँ पे नया चीज आया है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। अलाइनमेंट, तो दोस्तों ये जो अभी एक नया वर्ड मेरे मुंह से निकल रहा है अलाइनमेंट का, तो दोस्तों आपके ये जरूर से जरूर आपको मैं बताऊंगा अलाइनमेंट क्या होता है, कैसे टूल का अलाइनमेंट किया जाता है, इसके बारे में दोस्तों एक पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में अलाइनमेंट क्या होता है। दोस्तों अभी के लिए मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ अलाइनमेंट क्या होता है। दोस्तों ये अलाइनमेंट ये होता है कि हमें टूल बंद करने में, पंच और डाई बटन को मतलब कि चेक करने में सही है कि सही नहीं है, सही जगह पर जा रहा है, बर तो नहीं आएगा। दोस्तों उसके लिए हमको ये पिलर जो है बहुत ही हेल्प करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं एक बात मैं कि बगैर पिलर और बुश का डाई तो चलेगा ही नहीं, अगर कैसे भी आप चला रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप डाई और अपर डाई को लोअर डाई को चला दोगे बगैर पिलर का। सो फ्रेंड्स आइए मेन चीज जो होता है ये हो गया आपका पिलर और बुश। दूसरा क्या होता है दोस्तों, पंच और डाई बटन। दोस्तों अगर पंच और डाई बटन नहीं रहेगा तो डाई तो कोई मतलब रहने का बात ही नहीं है। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं, ये नहीं है, ये मतलब मेन चीज़ नहीं है कि जो पंच है और जो डाई है दोस्तों वो होल ही करे, ऐसा कुछ नहीं है। जो ड्रॉ टूल के होते हैं, फॉर्मिंग के होते हैं दोस्तों, वो भी अपर और लोअर पंच ही बोले जाते हैं। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर अपर वाला पंच और लोअर वाला पंच नहीं है तो वो डाई है ही नहीं है। तो इसके लिए जो सेकेंड वाला मेन पार्ट है दोस्तों, ये डाई हो गया और पंच हो गया दोस्तों, सेकेंड वाला, फर्स्ट ये पिलर बुश हो गया, सेकेंड ये हो गया। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका पियर्सिंग ट्रिमिंग मतलब कटिंग टूल कोई भी है तो उसमें स्टीपर पैड ये जरूर रहेंगे, ये तो उसके मेन चीज़ है। अगर ये सब नहीं है तो दोस्तों एक आता PU रबर, वो तो जरूर रहेगा दोस्तों, उसके बगैर कटिंग हो ही नहीं सकता, होल हो ही नहीं सकता, अगर हो भी गया तो चिपक जाएगा, इसके लिए वो रहेगा ही रहेगा। दोस्तों तीसरा हो गया पंच और डाई बटन। तो दोस्तों और चौथे के बारे में बता दिया मैंने, ये स्ट्रिपर मतलब पैड कुछ ना कुछ तो रहेगा अगर कटिंग वाला टूल है, अगर नॉन कटिंग है उसमें भी रहेगा ताकि पार्ट हमारा ऊपर चिपके ना। सो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप
कुछ भी सीखे हो तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जो आए उसमें और अच्छे से अच्छा मैं वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, इतना मेहनत किया तो एक लाइक तो बनता है।